हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये कियारा आडवाणी का मेकअप लुक। जुग जुग जियो किसने देखा मुझे ज़रूर बताना। गाइस, आई एम लविंग दैट मूवी। मैं तो मतलब पहले दिन नहीं गई थी, कुछ दिन बाद गई थी। बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं थे पर रेटिंग बड़ी अच्छी थी, मैंने कहा चलो देखते हैं। और पूरी मूवी हमने इन्जॉय किया है। पूरी मूवी में बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ देख रहे थे ना, मतलब वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसने पूरी मूवी को उठाया है। मज़ेदार, अनिल कपूर की एक्टिंग इज़ द बेस्ट। मनीष पॉल बहुत अच्छा एक्टिंग किया है। और इसमें हमारी यूट्यूबर भी हैं प्राजक्ता कोहली, जो कि पूरे पिक्चर में उन्हें सीन मिला है, दैट इज़ सो अमेजिंग। तो यस, अभी मैं यहाँ पे उनका मेकअप लुक कर रही हूँ। मैंने जब ये लुक देखा था मैंने बोला अरे यार ये तो कुर्ती मेरे पास भी है, ये एक फाइट सीन का सीन है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये लुक तो बनता है भाई। इसके पहले मैंने एक शेरशाह मूवी जो आई थी उसका भी किया था, मैंने बहुत बहुत पसंद किया था आप लोगों ने, तो मैंने कहा चलो वापस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने स्किन को प्रेपिंग की हुई है। ये लुक बहुत ईजी है। कियारा का जो लुक होता है बेसिकली बहुत न्यूट्रल होता है, तो बस मिस्ट अप्लाई किया है। एंड नाउ आई एम जस्ट अप्लाइंग द सीरम जो कि नियासिनामाइड प्लम का है, राइस वाटर वाला। इट इज़ रियली वर्किंग गुड ऑन माई स्किन और मेरी बेस को बहुत बढ़िया बना देता है। अंडरनीथ मेकअप के बहुत ग्लोई लगता है। सो यस, अभी फिलहाल तो मैंने ये स्टेप को डन कर लिया और देख रहे हो आप मसाज कर करके अच्छे से इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ अपने स्किन पे। आजकल ना मैं आईब्रोज को पहले करने लग गई हूँ। रीज़न इसका सिर्फ यही है कि बहुत नेचुरल लगता है। क्योंकि होता क्या है ना, जब आप न्यूट्रल नेचुरल मेकअप करना चाहते हो कि मेकअप ना लगे ना, तो पहले आप मस्कारा और अपना आईब्रो प्रोडक्ट कर लो। तो जब आप फाउंडेशन लगाओगे तो थोड़े बहुत फाउंडेशन आपके आईब्रोज के ऊपर भी लग जाएंगे, तो वो थोड़ा सा उसको सटल कर देगा एंड इट विल लुक वेरी नेचुरल। ट्रस्ट मी, ट्राई दिस हैक एंड लेट मी नो कि कैसा लगा। तो ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स का है। थोड़े नए प्रोडक्ट्स लिए थे तो मैं ट्राई ऑन कर रही थी। दो तीन मेकअप लुक्स में मैंने लगातार यूज़ किया हुआ है। आई एम लाइकिंग इट, दैट्स वाई आई एम यूजिंग इट। बिकॉज देखो यही एक तरीका है, मैं सारे प्रोडक्ट्स को अच्छा बोलती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, पर रियली जो अच्छे होते हैं उनको मैं यूज़ करती हूँ। तो दिस इज़ द टेक्निक यू कैन यू नो कि मुझे एक्चुअली कौन सा मेकअप पसंद है। नाउ ये मेबलिन का न्यू न्यूआंस मेकअप है। देखो ये विदाउट मेकअप ना कुछ इस तरह लगता है। मैंने सच में आप लोगों को दिखाने के लिए अप्लाई कर लिया है, पर मैं लेटर ऑन इसे चेंज करूंगी क्योंकि उनके लिप्स पे मुझे दो टोन्स दिख रहे थे, एक मॉफ के और एक ब्राउन के। तो जैसे मैंने बोला ना कि मैं आजकल मस्कारा भी पहले कर लेती हूँ, ये ZM का मस्कारा है, सो दैट मैं दो लेयर मस्कारा की अप्लाई कर सकूँ। आजकल मैं फॉल्सीज को बहुत इग्नोर कर रही हूँ। ओनली रीज़न ये है, बहुत लोगों का DM आता है कि यार पता है हमें लैशेज लगाना नहीं आता सोनाली, तो प्लीज़ थोड़ा सा ना हमें ईजी पीजी बताया करो यार। तो इसलिए दो कोट कैसे लगाओगे, थोड़ा सा मेकअप पे स्टार्टिंग में लगा लो, फिर बाद में सेकंड कोट लगा लेना, अच्छे से ड्राई हो जाती है तब तक आपका मस्कारा। नाउ आई एम यूजिंग अ गुड फाउंडेशन एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने कहा यार आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक नहीं करते हो, तो इस बार मैं ना फाउंडेशन का लिंक नहीं दिखाऊंगी, मैं मतलब प्रोडक्ट नहीं शो करूंगी, वो आपको जाके चेक करना होगा। यू हैव टू चेक फ्रॉम डिस्क्रिप्शन, सो गो एंड चेक कि कौन सा फाउंडेशन है। आई एम लिटरली लाइकिंग द कवरेज, द ग्लो आई एम लाइकिंग इट एंड यस ऑल ऑफ दिस। तो ये मैंने अच्छे से ब्रश की हेल्प से अप्लाई किया हुआ है और कवरेज भी मुझे अच्छी मिली है। देखो मेरे स्किन पे आजकल बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई है। ये हार्मोनल हैं, ये हर मंथ होते हैं, मंथली मुझे आते हैं। तो यस, दीज आर माई फ्रेंड्स, तो मुझे इनको हमेशा वेलकम करना ही पड़ता है। अच्छा मुझे ज़रूर, अब बहुत लोगों को लगता है कि मेकअप लगाने से हो जाता है, ऐसा नहीं है यार। मैं सच बता रही हूँ, कभी कभी मेरी स्किन इतनी क्लियर हो जाती है ना, आई डोंट नीड टू अप्लाई इवन कॉम्पैक्ट, मतलब ऑयल फ्री हो जाती है, चमकती है खूब। तो पता नहीं यार, बस ये आई थिंक स्किन की एज की बात है आई थिंक। तो ये देख सकते हो आप डिफरेंस बिफोर आफ्टर। एंड यस, अभी मैं इस साइड ना ब्लेंडर से अप्लाई किया था, तो ब्रश वाली साइड मुझे ज़्यादा कवरेज देता है, ब्लेंडर थोड़ा नेचुरल हो जाता है। तो अभी कॉम्पैक्ट से सेट कर रही हूँ। आई एम स्किपिंग द कंसीलर बिकॉज कियारा का जो लुक है वो बहुत नेचुरल है। वो मैंने बोला ना फाइट सीन है और वो घर पे ही रहती है, तो ऐसा मैंने देखा था उसमें। वो कंसीलर हाइलाइटर ज़्यादा दिख नहीं रहा था, मतलब हाइलाइटेड कंसीलर नहीं दिख रहा था। तो इसके बाद मैंने मार्स कॉस्मेटिक्स का सील द डील सेटिंग स्प्रे लिया, जो कि आई थिंक आई एम ऑब्सेस्ड। यस आई लव इट। मतलब आप ट्राई करोगे यू विल से कि अच्छा, मुझे पूछोगे ना एक बता दो एक, मैं हमेशा बोलती हूँ इनसाइड ले लो, स्विस ब्यूटी ले लो, वो भी अच्छे हैं, पर अगर सिर्फ एक लेना है बजट में हो मार्स का ये ले लो। नाउ मैंने एली 18 का काजल लिया और कियारा ने ना लोअर वाटर लाइन पर नहीं लगाया था, ओनली अपर वाटर लाइन पर लगाया था, और आई लाइनर नहीं था, प्रॉपर काजल था। तो वही किया है मैंने यहाँ पर, और इससे क्या होता है थोड़ा सा टाइट लाइन हो जाता है, आइज की शेप अच्छी सी दिखती है, और आपकी लोअर लैश लाइन में नहीं लगा इसलिए आपकी आईज़ भी बड़ी बड़ी दिखती है। तो ये
कुछ ना कुछ हैक्स होते हैं यार, हियर एंड देयर वी शुड लर्न. नाउ ये प्लम का मुझे पीआर आया हुआ था लिपस्टिक का, इट्स अ न्यू मैट टर्फिक लॉन्च, 1:1 शेड है. मैंने पूरी इसकी लिप स्वॉचेस की जल्दी ही अपलोड करूंगी. ये शेड मैंने इसके ऊपर टॉप पे अप्लाई किया है, वापस से दिखा दे रही हूँ अप्लाई करके कि देखो ये शेड बहुत प्यारा है. एंड इसके बाद वापस सेकंड कोट लग रहा है हमारा मस्कारा का, विच इज़ ZM का मस्कारा, बहुत पसंद है मुझे. कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं रिपीट कर रही हूँ दीज डेज बिकॉज आई एम लाइकिंग इट अ लॉट. और मैं समझ सकती हूँ कि अभी मैं इसमें कुछ और यूज़ कर लिया, दूसरे में कुछ और यूज़ कर लिया, तो आप लोग कंफ्यूज होते हो. तो दिस इज़ द वे आई कैन टेल यू दैट येस आई एम लाइकिंग इट. अच्छा, लोअर लैश लाइन पे मत लगाना मस्कारा इस लुक को अगर नेचुरल लगाना चाहते हो. तो मैंने लगा जब लिया तो मुझे एहसास हुआ कि अरे यार मुझे नहीं लगाना था, पर ठीक है कोई बात नहीं है, गलती नहीं हुई है. अभी मैं क्या कर रही हूँ, कॉम्पैक्ट शेड ले रही हूँ, जो भी आपका रेगुलर कॉम्पैक्ट है उससे मैटिफाई कर रही हूँ लिप्स को. बिकॉज एक्चुअली मैं क्यारा ने बहुत ही न्यूट्रल शेड लगाया था, वो भी पूरा मैट था, एकदम भी ग्लॉस नहीं था. तो इसको टोन डाउन करने के लिए बस ये सब बेस्ट हैक. यू ऑल गाइज नो कि हम किस तरह से हाउ टू मेक अ लिक्विड ग्लॉस और अ लिक्विड और अ बुलेट लिपस्टिक इनटू मैट, है ना, ट्रांसफर प्रूफ कैसे बनाए, ये वाले हैक्स हम सब ने देखे हुए हैं. तो बेसिकली वही हैक किया मैंने और भी कुछ नहीं किया. तो देखो एकदम से न्यूट्रल हो गया. फिर ना ZM का मेरे पास ब्लश एंड हाइलाइटर का डुओ है. तो अगेन जैसे मैंने बोला, ये लुक में देखो ज़्यादा पॉप नहीं करना है, बट आपको सारी चीज़ें स्लोली स्लोली लगानी है. मतलब लगानी सारी चीज़ें हैं बट उनके टोन्स न्यूट्रल होने चाहिए, और उनके जो टोन्स होंगे वो न्यूट्रल होने के साथ आपको कम प्रोडक्ट अप्लाई करना है. इट हैज़ टू गिव सम टिंट रादर देन शोइंग अ लॉट. तो देख लो आप, मैं एक साइड में लगा रही हूँ और एक साइड में नहीं लगाया है. डिफरेंस आपको फॉर श्योर एक सटल वे में मिल रहा होगा, बट इट्स नॉट शोइंग अ लॉट. तो यही इसकी सबसे बड़ी वाली खासियत मुझे लगती है. न्यूड मेकअप मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे न्यूड मेकअप्स पे व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं, लोग पसंद करते हैं, एक्सप्लेनेशन को बहुत तारीफ करते हैं. सो फॉर यू गाइज डेफिनेटली आई कैन डू 100 times, लाइक 1000 times, लाइक 1,000,000 times. तो अगर आपको मेरे वीडियोज़ हेल्पफुल लगते हैं ना, डू सब्सक्राइब और कॉमेंट तो ज़रूर करके जाया करो और लाइक ज़रूर कर दिया करो. बस इसके बाद मैंने उसको और टोन डाउन करने के लिए कॉम्पैक्ट शेड को उसके ऊपर रन कर दिया. नाउ आई हैव अ ब्रॉन्जर शेड जो कि 2 tones में है. तो If you are confused, तो you can try the product. ठीक है, तो बस इसको मैंने एक डॉट डिस्टिक डॉट लिया एंड आई एम जस्ट प्लेसिंग इट अंडर नीथ माई ब्लश ऑन. तो आपको दिखेगा कि ब्लश है, उसके नीचे कॉन्टोर है, मतलब आप ध्यान से देखोगे तो, बट यू कांट से कि हाँ प्रॉपर लगाया हुआ है, क्योंकि मैं बहुत ही कम प्रोडक्ट लगा रही हूँ एंड आई एम ब्लेंडिंग इट एकदम जान से. ठीक है, तो बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है आपको और प्लेस करके उसको वहीं पे छोड़ना नहीं है. अच्छा, मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ. वन साइड मैं क्रीम प्रोडक्ट्स लगाऊंगी एंड वन साइड आई विल यूज़ अ पाउडर प्रोडक्ट्स. तो हाउ टू लेयर क्रीम प्रोडक्ट्स, हाउ टू लेयर पाउडर प्रोडक्ट्स, ये बहुत कन्फ्यूजन है और मुझे बहुत दिन से इस पर वीडियो बनानी थी, बट आई वॉज पता नहीं क्यों मैं नहीं कर रही थी. तो अभी मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस पर करना चाहिए. तो नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर वही होने वाला है. और यस, ये गलतियाँ, मतलब मैं ऐसा ना मेकअप लुक में दिखा देती हूँ, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करके सेपरेट नहीं करती, बट येस नाउ आई विल डू. मेरे पास ब्लैक बिंदी नहीं थी तो मैंने थोड़ा सा काजल से उसको कलर किया रेड वाले को. और ये इयरिंग मतलब ये यूज़ इसलिए किया है क्योंकि एक्चुअली ऐसी ही थी इयरिंग, बट मेरी थोड़ी बड़ी, उनकी थोड़ी छोटी थी. और प्राजक्ता की शादी वाले दिन, मतलब शादी या मेहंदी का कोई रसम था, उस दिन का ये लुक है. एंड आई एम लविंग दिस लुक, एक्चुअली आई लिटरली लविंग दिस लुक. बहुत सिंपल है, बहुत न्यूट्रल है, बहुत प्रेजेंटेबल लुक है. यू कैन कैरी इट एवरी डे, मतलब चाहो तो आप एवरी डे, या फिर आपके घर में कोई फंक्शन पार्टी है, आप इन लॉज को विजिट कर रहे हो अगर आप शादीशुदा हो तो, नहीं तो यू कैन डू लाइक ऐसे भी. आजकल ट्रेडिशनल मेकअप्स का बहुत फैशन है. सो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, डू चेक दैट आउट. एंड येस, मैं उस दिन आली मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में. टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर. डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू रियली लाइक माई मेकअप ट्यूटोरियल्स. बाय.